कहानी के तीसरे और आखिरी पार्ट में आने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी का पहला और दूसरा पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए, नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और सांगला से चितकुल जाने के लिए हम बस में बैठ चुके थे, जैसा कि आपने अभी तक पिछली दो वीडियो में देखा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत लोगों ने पूछा कि मैं बाइक से चितकुल क्यों नहीं जा रहा। हम बाइक पे इसलिए नहीं गए क्योंकि सांगला से आगे चितकुल तक और चितकुल से वापसी सांगला तक कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं था। एक पंचर होने के बाद दूसरा पंचर होने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दूसरा पंचर बहुत जल्दी हो सकता है बाइक में। सांगला से चितकुल का रास्ता भी जो है वो बहुत ऑफ रोड टाइप है, और मैं हिमाचल के बस ड्राइविंग का भी मज़ा लेना चाहता था क्योंकि हिमाचल के बस ड्राइवर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं वो लोग। और फिर बस चल पड़ी, हम बस में बैठे हुए थे और फिर हमने नज़ारों को एंजॉय करना शुरू किया। और क्योंकि मेरे को बस में सबसे आगे बैठने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं बस में सबसे आगे बैठा हुआ था और मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप इतने कठिन रास्तों पर ड्राइव करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो ड्राइवर ने दो जवाब दिए। पहला जवाब तो ये था कि मैं बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए अब आदत हो गई है, और दूसरा जवाब उसका ये था कि जब भूख लगती है तो डर नहीं लगता। ड्राइवर के इस जवाब ने मेरे सारे सवालों को दबा दिया था। और फिर क्या था, मैंने ड्राइवर से ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ड्राइवर का माइंड डाइवर्ट हो। मैं चाहता था क्योंकि ड्राइवर अच्छे से ड्राइव कर सके, और क्योंकि रास्ते तो थे ही बहुत ख़तरनाक, आप देख सकते हैं। और फिर ऐसा कहा जाता है कि ड्राइवर्स और होटल इंडस्ट्री के लोगों की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। और फिर खुद को बिज़ी करने के लिए मैंने अपना रुख इन दिलकश नज़ारों की तरफ किया और इनको कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। सच बताऊं तो एक फ़ोटोग्राफ़र कभी खुद इतना एंजॉय नहीं कर पाता जितना वो अपने व्यूवर्स को करवाता है। आप खुद ही देख लीजिए, इस चलती बस में भी मैं कैमरे के थ्रू ये पिक्चर्स तो कलेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इन व्यूज़ को सिर्फ कैमरे के लेंस से ही देख पा रहा हूँ। चितकुल में दोपहर के 2 बजे भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, और चितकुल में फ्रेश एयर इतनी अच्छी थी कि क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं सेंस कर सकता हूँ इस चीज़ को। मैं जब सांस ले रहा था तो ऐसे लग रहा था कि फ्रेश एयर मेरे अंदर तक जा रही है, इतनी शुद्ध हवा थी वहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे घूमते हुए। आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो हमारी बस रुक गई 15 से 20 मिनट के लिए। बस जब रुकी तो मैंने फिर से ड्राइवर से बात की, तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि चितकुल दिन में बस 2 से 3 बार ही बस जाती है, कभी कभी 3 बार चली जाती है जब रश ज़्यादा होता है, और नहीं तो सिर्फ 2 बार जाती है, एक जो अभी जा रही है, एक 2-3 बजे जाएगी, और तुम जिस बस से जा रहे हो तुम्हें वापस आना ही होगा हर हाल में शाम को 5 बजे वाली बस में, क्योंकि वो आखिरी बस होती है। और फिर रास्ता खुल गया और हमारी बस चल पड़ी। अचानक मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई और मैंने देखा कि बस के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के अंदर चूड़ा लगा रखा था, जो दुल्हन का चूड़ा होता है। ना जाने इस ड्राइवर ने दुल्हन का चूड़ा क्यों लगा रखा था, क्योंकि बस चल रही थी तो इसलिए मैंने ड्राइवर से नहीं पूछा। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस छोटे और तंग रास्ते में ड्राइवर ने जो ड्राइविंग की थी वो काबिले तारीफ थी। बस 2-4 टर्न और लिए हमने, और फिर हमें जाके दिखा वो खूबसूरत और दिलकश नज़ारा जिसके लिए हमने पिछले 2 दिन में 600 किलोमीटर ट्रैवल किया। हिमाचल की धरती पर बिल्कुल स्वर्ग जैसा है छोटा सा चितकुल। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ था हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। बस से उतरते ही ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि इस हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा ही अब हमें बचाने वाला था, क्योंकि ढाबे पे हमें मिलने वाला था गर्मा गर्म खाना, और कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म खाने की खुशबू ने इस कदर हमें अपने वश में कर लिया कि हम एक कदम भी दाएं या बाएं लेते तो शायद हम बहुत कुछ मिस कर जाते। तो हम कहाँ कुछ मिस करने वाले थे, हम पूरे जोश में थे। तो हमने बोला चितकुल की ब्यूटी थोड़ा रुक के देखते हैं, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। और बहुत सही डिसीजन लिया हमने, और हमने ढाबे के अंदर एंट्री की। ढाबे के अंदर जाते ही हमने तुरंत ऑर्डर किया राजमा चावल। परोसने वाले ने गर्मा गर्म राजमा चावल परोस के दिए, और ऊपर से राजमा चावल और सामने ये व्यू, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। दिल पे हाथ रख के बोलिए अगर आपके मुंह में पानी नहीं आया तो। और बेहतरीन राजमा चावल के बाद हमने ली चाय की चुस्की। चाय की चुस्की तो बनती थी दोस्तों, चाय की चुस्की नहीं थी ये यादगार चाय की चुस्की थी, क्योंकि व्यू ही कुछ ऐसा था। और पेट पूजा हुई, चाय का मज़ा ख़त्म हुआ, हम आए ढाबे से बाहर। ढाबे से बाहर आने के बाद हमने देखा चितकुल।
ये था इंडिया का लास्ट इनहैबिटेड विलेज चितकुल। लोगों के बड़े ही प्यारे और सुंदर और ट्रेडिशनल घर बने हुए थे वहाँ पे। वहाँ पे एक हिंदू टेंपल भी था, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी थी। कुल मिला के 800 से 900 लोगों की पॉपुलेशन है चितकुल में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ही प्यारा सा बसा हुआ छोटा सा विलेज है चितकुल। शांति और सुकून में बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है चितकुल। चितकुल में आपको होम स्टेज भी मिलेंगे, होटल्स भी मिलेंगे। होटल्स ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे मिलेंगे। और हॉस्टल्स भी हैं, कैंप साइट्स भी हैं। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने भी आते हैं, एडवेंचर का मज़ा लेने भी आते हैं और योगा टाइप एक्टिविटीज़ भी करने आते हैं। और पीस के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। ट्रैवलर्स की फेवरेट जगह बनता जा रहा है चितकुल। और क्यों ना बने, जगह ही इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है। और चितकुल कैसे आएँ, इसके लिए छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैंने दी है। बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रूट। और विलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद इस रास्ते से उतरते हुए हम वो दूर बसपा रिवर के पास गए, क्योंकि व्यू का असली मज़ा तो वहीं से आने वाला था। और ये देखिए, ये है चितकुल का प्राइमरी स्कूल। अब आप ही बताइए, अगर स्कूल ऐसा हो तो कौन सा बच्चा किसी भी दिन क्या स्कूल को मिस करना चाहेगा। और नदी का पानी इतना ठंडा था कि मज़ा आ गया। मैं भी लग गया कैमरा ऑन करके बेटर से बेटर पिक्चर लेने के लिए। और कुणाल ने तो रणबीर कपूर का पोज करना था, तो मैंने बोला भाई तू भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। पूरी मस्ती का माहौल चल रहा था और 15-20 मिनट का मेडिटेशन भी हो गया और बड़ा ही आनंद आया। जब हम घर पे मेडिटेशन करते हैं तो हम मोबाइल पे रिवर का और बर्ड्स का साउंड प्ले करते हैं, जिससे कि हम सुकून से आराम से मेडिटेट कर सकें। और जो एक्सपीरियंस हम घर पे मोबाइल पे लेते हैं, वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे लाइव लिया था। और क्या बताऊँ, बिल्कुल मज़ा आ गया। 2 घंटे मैं क्या बताऊँ कैसे बीत गए नदी के पास बैठे बैठे, पता ही नहीं चला। और शाम के 5 बजे की आखिरी बस थी चितकुल से वापस सांगला जाने के लिए। और बड़ी ही मासूमियत और दिल पे पत्थर रखकर हम बसपा रिवर से उठे और वहाँ से वापस चल दिए। और इस लास्ट पिक्चर को क्लिक किए बिना हम नहीं रह सके, क्योंकि कुछ यादें भी तो लेके जानी है ना साथ में। वापस ऊपर आकर देखा तो बस को आने में भी थोड़ा टाइम था, तो इतने में हमने वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर ली थोड़ी। और यहाँ पे पास में बच्चे भी बैठे थे, बच्चों से मिले, बच्चों से भी हमने बातें करी। उनसे पूछा आप क्या करते हो, स्कूल कहाँ जाते हो, तो बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे थे। और इस कड़ाके की ठंड में टेम्परेचर लगभग अब 1 डिग्री ही बच गया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था। हर कोई अब वापिस अपने घर जाने को तैयार था। कोई सांगला जाना चाहता था, कोई रेकाउंट व्यू जाना चाहता था। हर कोई बस के इंतज़ार में बड़ी बेसब्री से बैठा हुआ था। और इंडिया के लास्ट विलेज में, इंडिया के लास्ट ढाबे के सामने दिन की लास्ट बस आने ही वाली थी कि हमने भी ट्रिप की लास्ट पिक क्लिक कर ली। और इतने में सुनाई दिया बस का हॉर्न और लास्ट बस हमें आती हुई दिखाई दी। सब में खुशी की लहर थी, सब ने अपनी अपनी सीट छोड़ दी और सब खड़े हो गए लाइन लगाकर। बस आई, बस का दरवाज़ा खुला, एक एक करके सब बस में चढ़ने लगे। और ड्राइवर बार बार आवाज़ें लगा रहा था, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि दिन की आखिरी बस थी, इसके बाद कोई बस नहीं थी। और अगर कोई जना रह भी जाता तो ड्राइवर की सारी मेहनत ख़राब जो हो जाती है। और सूरज के ढलते ढलते ड्राइवर ने हमें सांगला में उतार दिया। मैं और कुणाल सांगला के सीधे बाज़ार में गए और बाज़ार में हमने कैफ़े पे जाकर बैठे। कैफ़े पे हम, क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी, और कैफ़े पे हमने ऑर्डर दिया मोमोज का। थोड़ा तिब्बतीयन खाना खाने का मूड था हमारा, और ताज़ा और फ्रेश मोमोज बन के हमारे आगे आए। और क्या मोमोज थे, मज़ा आ गया था। और इस तरह हमने सांगला के बाज़ार में मोमोज खाते हुए आज का दिन एंड किया। और हमने पेट पूजा की और फिर हम अपने होटल में गए, रूम में जाके सो गए। अगले दिन हम सुबह 6-7 बजे उठे, हमने बुलेट स्टार्ट की और हम शाम को 5 बजे तक शिमला पहुंच गए। शिमला में पहुंच के हमने बाइक ओनर को दी और शिमला में हमने अपनी शाम कुछ इस तरीके से एंजॉय की। और अगर आप शिमला की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरे पास एक दिन की स्टोरी और भी है।